दोस्तों, दो शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में अमेरिका में। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी डिटेल पहुँचाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूँ। तो अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ फॉलो करी हो इंडियन स्टूडेंट्स की, एक है विवेक सैनी, जो आप पीछे देख रहे हैं फ़ोटो के अंदर। विवेक सैनी 25 साल का पंचकुला से, हरियाणा के पंचकुला शहर से MBA करने के लिए एक इंडियन स्टूडेंट अमेरिका आया था। यहाँ पर जॉर्जिया करके जो स्टेट है उसकी लिथुआनिया में सिटी के अंदर MBA कर रहा था वो। और MBA करने के बाद लिथुआनिया सिटी के अंदर वो एक शेवरॉन एक गैस स्टेशन है, वहाँ पर जाके वो जॉब करने लगा, बेसिकली थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। और बहुत नॉर्मल होता है यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा काम करना पैसे कमाने के लिए। तो विवेक के साथ क्या हुआ, वो कुछ टाइम तक वहाँ पे शेवरॉन में काम करता रहा। तो शेवरॉन के बाहर जैसे कई होमलेस लोग आते हैं, कई होमलेस लोग होते ही हैं, सब जगह होते हैं, राइट। तो होमलेस एक ड्रग एडिक्ट एक वहाँ पर बंदा आया, कोई 53 ईयर्स का, वो उसको ठंड में था वो बंदा, उसको उसके पास खाने पीने के लिए नहीं था कुछ भी खाना पीना। तो इसने, विवेक ने स्टोर ओनर की परमिशन से ही ऑब्वियसली उसको खाना पीना दिया, 2 दिन तक उसको रहने के लिए जगह दी स्टोर में, स्टोर के बाहर। बट आफ्टर सम टाइम स्टोर ओनर के कहने पर उसने इसको जाने के लिए बोला होगा, बट कुछ उल्टा हुआ, कुछ गलत हुआ, और स्टोर और उस होमलेस बंदे ने जो कि ड्रग एडिक्शन का शिकार था, उसने विवेक को हथौड़े से सर पर वार किया, 50 बार हमला किया कम से कम। और इस हादसे में विवेक ने अपनी जान खो दी। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। जनवरी 16 का हुआ था यह हादसा 2024 इसी साल। और विद इन 2 वीक्स जनवरी 28 को एक और न्यूज़ सामने आई है नील आचार्य की, जो कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए अपने पढ़ाई कर रहा था। और लास्ट सीन वो जनवरी 28 को था, एक ऊबर ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया कैंपस में, और उसके बाद उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कहाँ गायब हो गया, मिसिंग हो गया। और फिर विद इन 1-2 डेज एक डेड बॉडी मिली कैंपस में, और कन्फर्म किया गया वो नील की ही बॉडी थी। उसका रीज़न अभी तक नहीं पता चला है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, नोबडी नोज एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, हमें नहीं पता क्या रीज़न था। बट दो ऐसे शॉकिंग न्यूज़ सामने आई हैं, और इससे एक क्वेश्चन अब इंटरनेट पे आने लगा है कि इज़ अमेरिका सेफ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू फॉर हायर एजुकेशन। तो एज एन इंडियन अमेरिकन, मैं अमेरिका में रहते हुए मेरे को 12 साल के ऊपर हो गए हैं, तो मैं भी मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसा कोई न्यूज़ आती है तो, स्पेशली मेरी होम कंट्री से आती है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो मैं गाइज इस वीडियो में थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहूँगा, थोड़े से डेटा देना चाहूँगा, और बाकी मैं आप पे छोड़ दूंगा उस डेटा के बाद कि अमेरिका सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या हुआ ऐसा जो ऐसे न्यूज़ सामने आई, क्यों हुआ, ये हादसे क्यों हुए। विवेक के केस में हमें पता है कि विवेक ने एक ड्रग एडिक्ट की, एक होमलेस बंदे की हेल्प करना चाहा, उसका दिल साफ था, इंटेंशन साफ थी विवेक की। बट यूजली ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं, मैं भी दूर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी से कभी भी झगड़ा कर सकता है, कोई कहीं किसी भी देश में किसी से भी झगड़ा कर सकता है, यहाँ पर ही क्या किसी भी देश में कर सकता है। तो हम ऐसे लोगों से यूजली दूर रहते हैं, बट विवेक के इंटेंशन साफ थे, विवेक उसकी हेल्प करना चाहता था एज ए ह्यूमन, वन फेलो ह्यूमन टू अनदर फेलो ह्यूमन, उसकी मदद करना चाहता था। बट बिकॉज वो एक ड्रग एडिक्ट था, वो बंदा होमलेस बंदा, तो विवेक ने उसको जाने के लिए बोला एक दिन स्टोर से, और उसने उस पर अटैक कर दिया। अब यूजली ऐसे केस में आप इंडल्ज ही मत हो, बिल्कुल ही बात ही मत बोलो कि चाहे स्टोर ओनर आपको बोल रहा है कि उसको बोलो वहाँ से जाने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मना कर दो। ऐसा कोई आपको डिसीजन नहीं लेना कि किसी और के लिए आप वो डिसीजन लोगे। बट और नील के केस में हमें रीज़न नहीं पता अभी तक ऐसा क्यों हुआ है। और ये कोई रेसिज्म का कोई एग्जाम्पल नहीं है गाइज, रेसिज्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है। और बिना रीज़न के हम लोग किसी नतीजे पे नहीं आ सकते कि क्या एक कंट्री स्टूडेंट्स के लिए अनसेफ हो गई है, क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता उस सिचुएशन में क्या हुआ, तब तक हम नहीं बता सकते। अब मैं आपके सामने डेटा लेके आऊँगा, और डेटा से ही आपको पता लग जाएगा कि क्या वो कंट्री सेफ है या नहीं है। तो ये वेबसाइट है openrosedata.org/annual-release/international-students। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करती है, और इनके रिसेंट सर्वे के हिसाब से, अब आप देख के आप हैरान होंगे, अमेरिका में दुनिया भर से अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन
स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। ये नंबर 2020-2021 में थोड़ा कम हो गया था ड्यू टू पैंडमिक, बट 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। 10 लाख बच्चे हर साल अमेरिका में आते हैं दुनिया भर से। तो ऑब्वियसली 2020 और 2021 में वो थोड़ा सा नंबर कम हो गया था, बट अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग जहाँ से आते हैं वो है चाइना। चाइना से पिछले 2021-2022 में 290,000 लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे अमेरिका, और 2022 में मतलब पिछले साल 2022 और 2023 में 289,000। सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया है ऑलमोस्ट 1,99,000 और 2,68,000 इंडियंस आए थे अमेरिका पिछले एकेडमिक ईयर में, और ये नंबर बाय द वे 35% इंक्रीज हुआ है पिछले साल, एक साल में 35% बढ़ा ये नंबर। और अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो 10 लाख में से 2,70,000 तो इंडियंस होते हैं अमेरिका जो आते हैं हर साल अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ लाइक मोर देन 1/4। तो 25% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स अमेरिका आते हैं उनमें से 25% ज़्यादा इंडियंस होते हैं, बाकी साउथ कोरिया, कैनेडा, वियतनाम वगैरह हर जगह के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका आते हैं। और आपने देखा कि मोर देन 25% 1/4 से भी ज़्यादा जो कि अमेरिका लोग आते हैं, 10 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, उसमें से एक टॉप मोस्ट चाइना है, सेकेंड नंबर पर इंडिया है। तो अब आप इस वाले क्लिप में देखेंगे साइड में जो यहाँ पर है, ये वियोन न्यूज़ से मैंने ली है। जब मैं वियोन न्यूज़ का चैनल फॉलो कर रहा था, जब मैं वियोन न्यूज़ की ये वाली वीडियो देख रहा था, इसमें ये एंकर बताती है कि ये जो डेटा है जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये इंडियन पार्लियामेंट हाउस में यूनियन मिनिस्टर ने इंडियन पार्लियामेंट हाउस में प्रेजेंट किया था ये डेटा। और ये बोलते हैं कि 2018 के बाद से 2024 अभी चल रहा है, तो 5 साल या 6 साल का अगर डेटा है तो 403 अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स एब्रॉड पूरे देश पूरे वर्ल्ड में अभी तक ऐसी दर्दनाक न्यूज़ आ चुकी है 403 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 91 सबसे ज़्यादा जो लीड कर रहा है वो है कनाडा, सेकंड नंबर पर है 48 विद यूके विद 48, थर्ड नंबर पर रशिया विद 40, और चौथे नंबर पर आता है अमेरिका विद 36 काउंट। अगर 5 साल का भी डेटा अगर ये है, 5 साल में 36 ऐसे न्यू इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अगर हर साल लेट्स से 7 का एवरेज है, तो हर साल अगर जो 2.5 लाख जो इंडियन बच्चे आते हैं अमेरिका, उनमें से अगर 6-7 का अगर ऐसे इंसिडेंट है, तो ये जो 6-7 का ये जो डेटा है आउट ऑफ 2.5 लाख स्टूडेंट्स, ये बहुत ही रिलेटिवली कम है। मैं मानता हूँ ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, ये नंबर 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, पर क्राइम तो गाइज हर देश में होते हैं। और फिर मैं वापस उसी पॉइंट पे जाना चाहूँगा, क्या रीज़न से इंसिडेंट हुआ है वो हमें नहीं पता, तो ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए, बट 2.5 लाख में से ऐसे 6 इंसिडेंट एक साल में आना बहुत ही लो नंबर है। तो मैं बस आपको ये डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बाकी के जो 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी जो सेफ हैं अमेरिका में, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल 2.5 लाख से 2.5 लाख के करीब इंडियंस अमेरिका पढ़ने आते हैं, तो सब एवरीवन इज़ सेफ। और गाइस बस मैं वीडियो बंद करने से पहले आपको एक कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहूँगा कि अगर जो आप लोग इंडियन स्टूडेंट्स अगर अमेरिका आते हैं पढ़ाई करने, तो क्या क्या पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स देना चाहूँगा कि अगर आप अमेरिका आते हैं इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे तो यू विल ऑल्सो बी सेफ इन अमेरिका। पहला पॉइंट, एक फ़ोन तो आप लेके आएंगे ही आएंगे, और एक अमेरिकन नंबर भी यहाँ से जब खरीदेंगे 911, आप किस कभी भी आपको कुछ भी ऑड लगे, इनसिक्योर फील हो, 911 इट्स लाइक 100 जो 100 नंबर हम डायल करते हैं इंडिया में, ऐसा 911 है। बहुत जल्दी पुलिस आती है, कहीं पे भी आप हो पुलिस की सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगी, और डरने की कोई बात नहीं है। आप ये सोच के चले कि 911 इज़ योर फ्रेंड, अगर कुछ भी आपको होता है 911 फ़ोन करें। 911 पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं गाइस, अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते तो टेक्स्ट भी करें। लेट्स से अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप बात नहीं कर सकते, टेक्स्ट भी कर देंगे तो भी आपको सपोर्ट मिलता है। सेकंड चीज़, अगर आप कॉलेज में पढ़ने आते हैं, किसी कैंपस में आते हैं, सीसीटीवी सब जगह पे होते हैं आजकल, कॉलेज की अथॉरिटी से बात करें कि क्या सिक्योरिटी सेफ्टी के मेजर्स हैं उनके पास। यूजली शटल्स चलाते हैं कई कॉलेजेस, कई कैंपस, उनका यूज़ करें। जिन सड़कों पर जहाँ पर लाइट नहीं है, अगर अंधेरा है, वो यूजली अवॉइड करें। कैब्स वगैरह, ऊबर वगैरह खुद आप अपनी बुक कराएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी फ्रेंड का सपोर्ट लें पिक एंड ड्रॉप के लिए, स्ट्रेंजर से कभी हेल्प ना मांगें। और अपनी जो मनी वगैरह है उसको ऐसा हमेशा ज़्यादा कैश लेके चलने की ज़रूरत नहीं है,
$40 to $60 यूजली बहुत होते हैं, और कार्ड्स हमेशा यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, क्योंकि कैश अगर आप कम से कम होगा तो आपको कोई लूटने का खतरा कम है, कोई कोई चोरी का खतरा कम होगा आपके लिए। और अपने पासपोर्ट वगैरह बिल्कुल सिक्योर रखें अपने घर पे, और अपने दोस्तों को बता के, यूजली आप दोस्तों के साथ घूमें उनको बता के जाएं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपना फ़ोन पे उनका एक स्पीड डायल पे नंबर रखें। तो बेसिकली अंधेरे वाली जगहें यूज़ कम यूज़ करें, स्ट्रेंजर से कम बात करें, होमलेस वगैरह जो लोग होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनसे दूर रहें, और जो भी आपको खतरा होता है किसी चीज़ से उनसे दूर रहें। 911 इज़ अ फ्रेंड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, पैसे बचाएं, डॉक्यूमेंट से अपने पासवर्ड वगैरह बिल्कुल सिक्योर रखें, और अपने दोस्तों की हेल्प ज़रूर लें जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो। तो ये थी गाइस एक हेल्पफुल सपोर्टिंग वीडियो, मैं चाहता था ये बनाना, और डेटा के बाद आप लोग समझ ही सकते हैं कि इज़ अमेरिका सेफ और नॉट। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी 2.5 लाख से ज़्यादा इंडियंस अभी भी अमेरिका में हर साल आते हैं, पढ़ते हैं, एंड दे आर ऑल सेफ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बाय।